इन ग्रेड्स की मेजोरिटी की वजह से ही आउट ऑफ 4 3.81 का CGPA लेने के बावजूद भी आज एक शवारमे की छोटी सी दुकान चलाने पर ये मजबूर हो गए। मैंने इसको विजिट किया और देखा साथ इनकी डिग्रियां लटकी हुई थी। इनको जो अवार्ड सोवेनियर्स के फॉर्म में मिले हुए हैं या दूसरी फॉर्म से मिले हुए हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये आप इनके हाथ में एक डिग्री देख सकते हैं जो लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी है, वहां से ये फारिगु तहसील है। ये डॉक्टरेट की डिग्री है और इस डिग्री का नाम है डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेस। ये 5 साल की डिग्री है। जो यूनिवर्सिटीज इनको डिग्रीज इशू करती हैं और उसमें बच्चों को ये झांसा दिया जाता है कि अगर आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना चाहते हैं तो ये डिग्री कर लें, 5 साल की डिग्री है। इन्होंने ये डिग्री 2015 में लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की। 2020 पूरे 5 साल के बाद वो डिग्री कम्प्लीट हुई। हायर एजुकेशन कमीशन 2018 में ख्वाबे गफलत से जागता है और उसको याद आता है ये तो डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। वो इन लोगों की डिग्रियां कैंसिल करने के लिए मुतलिका यूनिवर्सिटीज में एक ऑर्डर जारी कर देते हैं। ये सिर्फ लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं हो रही, ये डिग्री लाहौर की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो रही है जिसमें W4 कैटेगरीज भी शामिल है, W3 कैटेगरीज भी शामिल है और इसके अलावा हाई ग्रेड यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। इन्होंने ये डिग्री 7 लाख रुपए में 2015 में स्टार्ट की। आज ये डिग्रियां बेची जा रही हैं 18 लाख में, 15 लाख में, 13 लाख में, 14 लाख रुपए में। मैं बेचने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये शख्स ये डिग्री हासिल करने के बाद ये शवारमे की शॉप चला रहा है। इनके साथ इनके जो बैचमेट्स थे, इनके जो सीनियर्स थे, इनके जो जूनियर्स थे, उनकी तादाद 400 से 500 बनती है। उनमें से कोई शख्स कॉल सेंटर पर काम कर रहा है, ये खुद शवारमे का एक छोटा सा स्टॉल चला रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल फारिग हैं, उनके पास जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है। इनका ताल्लुक उकाड़ा से है। ये उकाड़ा से जब लाहौर में तालीम हासिल कर रहे थे, इनके हॉस्टल्स के एक्सपेंस भी होते होंगे, इनके कुछ लॉजिस्टिक्स के भी एक्सपेंसेस होते होंगे, तो डिग्री इनको पड़ती है 30 से 35 लाख रुपए में पूरे 5 साल में। वो बर्डन वालदैन किस तरीके से बियर करते हैं उसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। अगर 35-40 लाख रुपए एक शख्स ने 5 साल अपनी जिंदगी के, जवानी के उन डिग्रियों में लगा दिए और एट द एंड ऑफ द डे उसको हुनर तो बहुत दूर की बात है, उसको ABC भी प्रैक्टिकली नहीं पता होती, तो जनाब इन यूनिवर्सिटीज को, इन इदारों को कौन पूछेगा। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आप मेरे पास देख सकते हैं कि मिस्टर उमर इसरार भट्टी साहब को बेशुमार इवेंट्स में इन्होंने नुमाइंदगी की और न्यूट्रिशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ सेमिनार्स किए और अपने हकूक की जिद्दोजहद के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर राबता किया। मौजूदा वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा से मुलाकात की, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा ने इनको कहा कि हम लोग तो आपको डॉक्टर ही नहीं मानते, आप डॉक्टर हैं कहाँ से। तो जनाब अगर आप लोग इनको डॉक्टर्स नहीं मानते तो आप लोगों ने अपनी छतर छाया में, HECB आपके अंडर है, HECB हकूमती इदारा है, उसकी छतर छाया में ये डिग्रियां कैसे चल रही हैं? आपकी आशीर्वाद इन यूनिवर्सिटीज पर, इन इदारों पर है तो ये लोग बेधड़क बेबाक होकर तालीम के नाम पर इन डिग्रीज को बेच रहे हैं। उसके बाद उस निजी यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि 5 साल की ये जो डॉक्टरेट की डिग्री थी इसका नाम चेंज करके बैचलर्स ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज रख दिया। अब नाम चेंज हो गया है। तब यूनिवर्सिटी 7 लाख फी ले रही थी, अब जो इसकी फी है वो 15 लाख रुपए के करीब है। अगर मैं इनके CGPA की बात करूं तो इन्होंने 3.81 CGPA में अपनी इस तालीम को मुकम्मल किया। अगर इनके मैं क्रेडिट आवर्स की बात करूं तो 172 क्रेडिट आवर्स इन्होंने कंप्लीट किए। अगर इनके मैक्सिमम ग्रेड्स आप ट्रांसक्रिप्ट पर देखें तो A-, A+, B+, A-, मेजोरिटी जो है इन ग्रेड्स की है। इन ग्रेड्स की मेजोरिटी की वजह से ये आउट ऑफ 4 3.81 का CGPA लेने के बावजूद भी आज एक शवारमे की छोटी सी दुकान चलाने पर ये मजबूर हो गए और आज से 15 दिन पहले इन्होंने इस दुकान को शुरू किया। मैंने इसको विजिट किया और देखा साथ इनकी डिग्रियां लटकी हुई थी। इनको जो अवार्ड सोवेनियर्स के फॉर्म में मिले हुए हैं या दूसरी फॉर्म से मिले हुए हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भट्टी साहब कितनी फी थी आपकी? 6,80,000 रुपया थी, लेकिन साथ साथ ये बढ़ाते रहे फीस अपनी। अब फी कितनी है? अब 13 से 14 लाख रुपया फीस है इस डिग्री की।
CGPA आपका कितना है? लोग तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुद भी बता दें। 3.81 जी। आप तो किताबी कीड़े होंगे। ऐसे ही है जी। तो क्या मिला फिर, इतनी तालीम भी हासिल की, दिन रात जागे भी होंगे, अपने शहर उकाड़े से लाहौर आए और यहाँ आकर परदेश भी काटा होगा, तो काफी पैसा वालदैन का खर्च हो गया होगा। बेहद पैसा खर्च किया वालदैन का। बेसिकली ये हमारे साथ एक फ्रॉड धोखा हुआ है, जो कि ये डिग्री पूरी दुनिया में 4 साल की होती है और इन यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट की 5 साल की। आप इनके झांसे में आए क्यों? इन्होंने कहा कि आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा, लेकिन हमारी यास्मीन राशिद साहिबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो आपको डॉक्टर मानती नहीं हूँ। जब वजीरे सेहत कहती है मैं डॉक्टर नहीं मान रही, और उनकी छतर साया में यूनिवर्सिटियाँ डॉक्टरेट के नाम पर ये डिग्रियाँ बेचे 8-8, 10-10 लाख रुपए की, तो जनाब ये फ्रॉड तो फिर हुकूमत ही कर रही है ना। यूनिवर्सिटीज तो सिर्फ एक कारिंदे हैं इनके, इनके आलात हैं जिनको ये आगे रख कर बेच रहे हैं या कमा रहे हैं बैक एंड पर। यूनिवर्सिटीज जो है ये हर गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। पिछली नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उनका हिस्सा थी, अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो उनका हिस्सा है। बेसिकली ये मिलके सारा फ्रॉड कर रहे हैं बच्चों के साथ। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन यूनिवर्सिटीज की भी है जी। बिल्कुल, गवर्नर साहब की जितनी भी रैलियां होती हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चे जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बसेस जाती हैं। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? जी ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। कितने कितने लोग गए हैं यूनिवर्सिटीज में से? 400-500 बच्चे जाते रहे हैं जी। कितनी कितनी बसेस जाती रही हैं? 6-7 बसेस जाती रही हैं जी। गवर्नर साहब से जब आपकी यूनिवर्सिटी ने बात की होगी तो उन्होंने कोई मुदावा किया आपकी इस डिग्री का? गवर्नर साहब से मेरी जाती मुलाकात हुई थी मेरे अपने ग्रुप के साथ, जब ये HEC ने 2018 में नोटिफिकेशन किया कि ये यूनिवर्सिटीज को और इन डिग्रीज को हम बैन करते हैं। आपके बैच में कितने लोग थे और इस वक्त वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरे बैच में 220 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और सारे ही फ्री हैं, कोई उबर चला रहा है, कोई कॉल सेंटर पे जॉब कर रहा है, और जितनी भी लड़कियां हैं वो घरों में बेचारी बैठी हैं। वो तमाम के तमाम लोगों के हकूक की जंग भी आपने लड़ी। स्क्रीन पर बहुत से लोग देख रहे हैं कि आपने रैलीस भी निकाली, पंजाब असेंबली के सामने भी आप गए, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, तो आखिर थक हार कर आप इस शुआरमे की शॉप पर आ गए हैं। तो मुझे इतना पैसा लगाया था, आपका जो टाइम किल हुआ है उसको रिफंड कौन करेगा, उसको वापस कौन लेकर आएगा? हम इस मुल्क के इंसाफ से मायूस हो चुके हैं। मायूस होके छोटा सा अपना शुआरमे का पॉइंट लगाया, सैकड़ों रैलियां निकाली, सैकड़ों सेमिनार करवाए, हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई, लेकिन इस पे कुछ नहीं हो सका। ये जो अब डिग्री है, पहले इसका नाम था डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, अब इसका नाम रख दिया इन्होंने बैचलर्स ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज। अब इसकी फी कितनी है? इसकी फीस 12-13 लाख रुपए है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने BBA किया हुआ है, लेकिन अगर आप उनसे बिजनेस की डेफिनेशन पूछें तो दे डोंट इवन नो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अगर किसी इंसान ने फैशन डिजाइनिंग की है, आप उससे फैशन की डेफिनेशन पूछें, ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाएं जिसने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा हुआ, उस शख्स से आप घर की वायरिंग करवा लें और किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उसके साथ खड़ा कर दें, तो जनाब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस इलेक्ट्रिशियन का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। एक ऐसा मैं आपको बिजनेसमैन दिखा सकता हूं जिसके खानदान में किसी ने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो बिजनेस में इतना अपने आप को डेवलप कर गया कि उसके नीचे PhD होल्डर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ये डिग्री होल्डर्स जिनके पास ये पीस ऑफ पेपर तो होता है, इनके पास हुनर नहीं होता। यूनिवर्सिटीज में क्या होता है क्या नहीं होता वो बताने के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम वो वालदैन जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको इन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपने खानदान का, अपने मोहल्ले का और कम से कम अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन रोजगार कमा सकेगा, तो वो नहीं कमा पाता। आज ये शुआरमा लगा रहे हैं, इनके बहुत से दोस्त बैचमेट्स हैं, कोई ऊबर चला रहा है, कोई करीम चला रहा है, कोई कॉल सेंटर चला रहा है, तो जनाब ये हमारे निजामे तालीम पर एक जोरदार तमाचे हैं डिग्रियों की सूरत में, और इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने बड़ा हैरत अंगेज इनके साथ किया कि जो गवर्नर होता है वो तमाम यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, और गवर्नर साहब के जलसों में या गवर्नर साहब की ईमा पर 400-500 लोगों को बसेज में बिठा कर ले जाया जाता है, और इनकी यूनिवर्सिटीज में से भी बहुत से लोगों को ले जाया जाता था। तो जब पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है तो यूनिवर्सिटीज अपना हिसाब था HEC के साथ सीधा कर लेती है थ्रू गवर्नर, लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर स्ट्रेक पर लगता है। ये कहने को तो डॉक्टर है, लेकिन ये कैसे डॉक्टर है जो उबर भी चला रहे हैं, क्रीम भी चला रहे हैं, शुआरमा भी बेच रहे हैं? सर मेहनत में किसी भी किस्म की कोई आर नहीं है। नबी किस्म सल्लम ने फरमाया कि बिजनेस में 90% है, जॉब में 10% है। आप इस पे ज्यादा कमाएंगे, किसी किस्म की शर्म आर नहीं है। हमने अपने निजामे तालीम और निजामे इंसाफ पर जो एक जोरदार तमाचा आपने मारा है, इस स्क्रीन के जरिए हम लोगों को दिखाना चाह रहे थे। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।